यशु मसीह के पवित्र नाम से मैं इस पवित्र आराधना में स्वागत करता हूँ हम सब लोग आंखें बंद करेंगे आंखें बंद करते हुए छोटा सा प्रार्थना करेंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन की ओर हम चल पड़ेंगे विराज विराजमान परमेश्वर पिता इस पवित्र दिन में हम आपके कदमों में फिर से आते हैं पिता इस समय में हम सभी लोग तेरे पवित्र आत्मा के प्रेरणा से पवित्र बातों को ध्यान करते हुए उन्हें हमारे हृदय में लिखकर उसके अनुसार जिए और हमारे आत्मिक जीवित को मजबूत करें और यहाँ पर बैठे हुए सभी को परमेश्वर आप एक ऐसी प्रेरणा करें ताकि शांति से बैठ कर श्रद्धा से बैठ कर तेरे पवित्र बातों को जीवन में स्वागत करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त में हम सभी लोग तेरे आत्मा के हाथों में बैठकर ध्यान करना चाहते तेरे पवित्र बातों को सहायता करें सारी प्रार्थना ईश्वर मसीह के पवित्र उद्धार के नाम से विनती करते हैं पिता परमेश्वर आमें। 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 आ, मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग अच्छे हैं और वचन को शुरू करने से पहले मैं एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं उसका नाम है विलियम मिलर विलियम मिलर एक हजार आठ सौ में एक है एक एक घोषित करते हैं कि दानियल का आठवां अध्यय को ध्यान करते हुए अध्ययन करके उन्होंने ये कहा कि यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वह जल्दी से होने वाला है और एक हजार आठ सौ थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री ईस्वी में यीशु मसीह आएंगे और सारा दुनिया क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा दुनिया का अंत होने वाला है कब आएंगे आठ सौ 1843 में आएंगे। और पूरा दुनिया क्या हो जाएगा नाश हो जाएगा और ये एक डेट फिक्स कर अक्टूबर बाईस तारीख को एक हजार आठ सौ चौवालीस में यीशु मसीह पक्का दिखाई देंगे यीशु मसीह का दूसरा आगमन आने वाला है आप सब लोग तैयार हो जाओ उसके बाद दुनिया फिर नहीं रहेगा पूरा दुनिया अंत हो जाएगा इसको अभी आप गूगल में जाकर टाइप करते हैं ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट करके एक थेरी वहां पर मिलेगा और वह जो थेरी है और वह उस इतिहास में क्या बोलते विलियम मिलर का नाम जिक्र किया गया है इन्होंने तय कर लिया कि अक्टूबर 22 तारीख को 1844 में यीशु में से आ जाएंगे और उसके बाद दुनिया क्या हो जाएगा अंत हो जाएगा और दुनिया नहीं दिखाई देगा और ये जो घोषणा किया काफी वर्षों से करते आ गया और इस घोषणा में ये जो डिक्लेयर किया गया था पचास हजार से लेकर एक लाख लोग तक क्या कर दें इनके बातों को मान लें मैं बताना चाहता हूं जिन्होंने इस व्यक्ति के बात को मान लिए वो सभी लोग अपने अपने संपत्ति को अपने अपने नौकरी को अपने अपने घर को अब तो हो गया अक्टूबर 22 तारीख को एक में इश्यू में से आ जाएंगे तो उसके बाद तो दुनिया नहीं रहेगा पूरा क्या हो जाएगा अभी विनाश हो जाएगा तो फिर ये सारा संपत्ति रखे क्या करेंगे सब लोगों ने बेच डाला सब लोग नौकरी छोड़ दी जो जो जिसको जिसको विश्वास नहीं था जो मसीह आएंगे बोल के उन लोगों को अपने संपत्ति को बेच डाला नाने। क्योंकि इन, इनको पता था कि यीशु मसीह तारीख को आएंगे तो तेईस तारीख को हम नहीं रहेंगे तो फिर सब लोग हम स्वर्ग में उठा लिया जाते हैं यह सच हुआ घटना है और ये सारी घटना होने के बाद है सब संपत्ति धन दौलत नौकरियां सब छोड़ दिए और विलियम मिलर के बात के अनुसार बाईस तारीख को अक्टूबर एक में बारह बजे कितने लोग दो दो एक एक हफ्ता उपवास होकर क्या करने लगे यीशु मसीह इंतजार करने लगे और सब लोग एक जगह में इकट्ठा हो गए रात में पूरा जितने भी लोग विश्वास करते सब लोग इकट्ठा हो गए यीशु मसीह भी क्या करेंगे बारह तारीख को आएंगे सुबह से लेकर बाईस तारीख का सुबह से लेकर रात बारह बजे तक क्या करने लगे बिना खाए बिना पिए बिना घर जाए सब लोग क्या करने लगे यीशु मसीह अभी आएंगे यशु मसीह बाद में आएंगे यीशु मसीह आधा घंटे में आएंगे यीशु मसीह अब आ जाएंगे इंतजार करते रहे करते रहे करते रहे बाईस तारीख का बारह बजे खत्म हो गया तेईस तारीख को सुबह हो गया अभी बारह बजने के बाद सुबह हो गया यीशु मसीह नहीं आई और इन्होंने बोलने लगा जो विलियम मिलर ने बोले लगे नहीं 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 थोड़ा सा टाइम मिस्टे, मिस्टेक हो गया है हम एक और डेट देना चाहते हैं जितने भी लोग इसके बाद को माने थे सब लोगों ने क्या कर दिया तितर बितर होने लगे उसी समय में सेवेंथ डे दे एडवांटेज करके एक संस्था है वो संस्था वहां उसी समय में उत्पन्न होता है देखो एक व्यक्ति ने अंदाजा में एक डेट फिक्स करता है और इस बात को मानने वाले उस समय में कितने लोग हैं लाखों के हिसाब में थे और लाखों लोगों ने अपने संपत्ति बेच डाला अपने घर को छोड़ दिया सारा सब कुछ छोड़कर इस विलियम मिलर की बात के अनुसार सब लोग आके 22 तारीख को क्या करने लगे वहां पर यीशु मसीह का इंतजार करने लगे मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं यीशु मसीह का आगमन का जो डेट है जो यीशु मसीह का जो दूसरी आगमन बोलते हैं बाइबल में यीशु मसीह का दूसरी आगमन का डेट बाइबल में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है एक बार ये मसीह के पास आए चले लोग प्रभु वो समय बता देना ये ये ने क्या कहा वो समय पिता के अलावा मुझे भी पता नहीं वो कब आएगा पता नहीं लेकिन आप क्या करना तैयार रहना मेरा आगमन के लिए और एक बार प्रेरित तो कामों के, काम के वर्णन में प्रभु येशु मसीह के पास आकर समय पूछने लगे थे राज कब आएगा ये मसीह उस समय में भी ये मसीह ने कहा समय को पहचानना वो आपका काम नहीं है वो किसका काम है पिता का काम है आपका का क्या काम है उसको आप करो यानी कि आज दूसरी आगमन को लेकर बहुत से लोग विश्वास करते हैं जितने मसीह के लोग जितने यीशु मसीह को मानते हैं वो सब लोग आशा कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे आएंगे और हमें लेके जाएंगे बहुत से लोगों को हड़बड़ी है कि यीशु मसीह अगले साल आएंगे यीशु मसीह दस साल के बाद आ जाएंगे यीशु मसीह का लेट हो गया है यीशु मसीह के आगमन को लेकर बहुत सारे लोगों को बहुत प्रकार के मन में बहुत सारे संदेह क्या हो गए उत्पन्न हो गया है और इस बीच में लोगों को बहकाने वाले लोग भी क्या हो गया है ज्यादा तैयार हो गए हैं लोग को बहकाते हैं यीशु मसीह आ गया है अभी हम कुछ पिछले दिनों में एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया क्या प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं मैंने कहा प्रभु यीशु को जानता हूं अच्छा यीशु मसीह के आगमन के बारे में विश्वास करते हैं मैंने कहा यीशु मसीह के बारे में विश्वास करता हूं उन्होंने कहा यीशु मसीह का आगमन आ चुका है मैंने कहा अभी तक नहीं आया है उस व्यक्ति ने कहा यीशु मसीह आ चुका है कहां पर है साउथ कोरिया में है यीशु मसीह आ चुका है वो कहां पर है अभी साउथ कोरिया में है मैंने उसके साथ काफी लगभग एक घंटा उसके साथ मैंने किया फोन में चर्चा किया कि यीशु मसीह का आगमन अभी तक नहीं आया है और यीशु मसीह का समय भी किसी को पता नहीं कि यीशु मसीह कब आने वाला है यीशु मसीह आएगा यीशु मसीह ने कहा मैं आऊंगा और आने के घड़ी को पहचानने के लिए यीशु मसीह ने कुछ निशानों को क्या कर दिया संसार में दिया है प्रियो हम सबको एक याद रखना पड़ेगा कि जब एक बादल में बादल जब छा जाता है तो हम बादल को के कहेंगे कि अभी थोड़ी देर में क्या हो जाएगा अभी बारिश आ जाएगा बारिश आ जाएगा राजमिस्त्री काम करने वाले बाहर काम करने वाले लोग क्या करते पता है जो काम उन्होंने किया था उस काम के ऊपर क्या करेंगे अभी तिरपाल को डाल देंगे बारिश आएगा तो मेरा काम क्या नहीं होना चाहिए बिगड़ना नहीं चाहिए अगर खेत में काम कर रहे हैं धान अगर काट के रखे हुए हैं अगर उनको पता चलेगा बा, बादल छा गया है अब बारिश आने वाले थोड़ी देर के बाद जितने भी धान जो काट के रखे रहते हैं वो सारा बटोर कर अपने कत्ते में क्या करेंगे अपने घर पे वो रखेंगे और जब लोगों को पता चलेगा बारिश आ जाएगा सब लोगों ने अपने हाथों में क्या लेकर निकलेंगे बाहर चाता लेकर निकल जाएंगे जब बारिश आने का मौसम के बाद मौसम के द्वारा आपको पता चलेगा कि थोड़ी देर के बाद बारिश आने वाला है जितने भी लोग अपने कपड़े धोकर बाहर सूखने के लिए डाला गया था वो सारे कपड़े को लेकर क्या करेंगे अंदर रखेंगे देखो दुनिया में बारिश आएगा यह समझ में आ जाएगा लोग कितना तैयारी हो जाते हैं लोग कितना सिद्ध हो जाते हैं लेकिन यीशु मसीह का आगमन को लेकर मैंने पिछले दिन कहा था हम यीशु मसीह का आगमन कब आएगा पता नहीं लेकिन हम सब क्या करना चाहिए तैयारी में रहना चाहिए मेरा तैयारी क्या है यीशु मसीह के लिए घर पे शादी होगा तो तैयारी करते हैं घर पे बर्थडे होगा तो तैयारी करते हैं बर्थडे अगर घर पे अगर कोई मरा हुआ आदमी रहता है उसका दिन आ जाता है उसके लिए तैयारी किया जाता है घर बनाने के लिए तैयारी किया जाता है सारे चीज के लिए पहले ही हम क्या करेंगे प्रिपरेशन करेंगे कि कैसे करना है कैसे मनाना है कहां जाना है किसको बुलाना है और घर को कैसे सजाना चाहिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं यीशु मसीह आने का घड़ी अगर जब करीब आ जाता है तो हम में से कितने लोग येसु मसीह के उस आगमन के लिए तैयार हैं प्रभु मेरे हृदय आपके लिए तड़प रहा है मैंने इसको आपके लिए तैयार करके रखा हूं तुम आ जाना करके ये बात केवल संसार में रहने वाले आज के मसीलों का नहीं था यह ये बात यीशु मसीह के पास रहने वाले चेलों के अंदर भी था जब यीशु मसीह संसार में आए थे उसी वक्त में चेलों को एक, सवा, एक सवाल, था प्रभु आपका घड़ी कब आएगा कब आप दोबारा आएंगे आप तो पहले बार आया मनुष्य के पाप के लिए बलिदान हो गए और आपने स्वर्ग में जाने वाले हैं फिर से कब आने वाले तुम समय बता देना प्रभु समय बताएगा तो आप तो बहुत होशियार हो जाएगा ना है कि नहीं घर पे चोर आएगा अभी अब तो हो जाएंगे क्या करेंगे घर को आंख में तेल डाल के नींद के बिना क्या करेंगे घर का आप से करेंगे घर बोल करने बोल कराता है चोर आपके घर पे चोरी करने के लिए नहीं बोल के आ जाता है ठीक उसी प्रकार यीशु ने कहा चोर किस आगमन किस ढंग से रहता है उसी प्रकार से मेरा भी आगमन रहेगा पता नहीं कब चोर के जैसे मैं आने वाला हूं लेकिन आप सबको क्या करना पड़ेगा तैयारी हो जाओ लेकिन जब यीशु मसीह के चेलों ने इस बात को पूछे जब यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह के चेलों ने पूछे क्या करके पूछे पता है पढ़िए मेरे साथ यीशु मसीह के आगमन को कि एक चिन्ह दिखाऊंगा आप पहचानो कि अभी क्या होने वाला है बारिश आने वाला है मैंने बाहर लेके जाकर आपको अगर दिखाऊंगा देखो बादल पूरा काला हो गया है आप पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे कि बारिश आने वाला है पहचानेंगे ना रेलवे ट्रैक स्टेशन में आप खड़े रहते हैं जब वहां पर अनाउंस किया जाता है कि अभी आपका गाड़ी में आपके टाइम के अनुसार आपने जिस ट्रेन के इंतजार कर रहे थे वो ट्रेन क्या करने वाला अभी पहला प्लेटफॉर्म में आने वाले वहां पर अनाउंस हो जाता है हम सब लोग बैग लेके तैयार हो जाते हैं ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए आपको मैंने कुछ चिन्ह दिखाना चाहता हूं वह चिन्ह को देखिएगा और आप पहचानिए और आपके जीवन में सतर्क होकर तैयार होना चाहिए कितने लोग अभी तक पाप कर रहे थे सारे पाप को छोड़कर फिर पवित्र जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाओ जितने लोग परमेश्वर को बहुत नजरअंदाज करते थे आज उस चिन्ह को देकर आप परमेश्वर को जीवन में बहुमूल्य समझकर उस परमेश्वर खोज में रहिएगा तुम्हारा परिवार हो गया तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो गया तुम्हारा आध्यात्मिक जीवित हो गया परमेश्वर के और आप लेके जाने के लिए तैयार हो जाइएगा एक बार यीशु मसीह के चेलों ने आकर एक सवाल पूछने लगे क्या पूछने लगे देखिएगा मार्कुस रजिसु समाचार उसका तेरा अध्याय निकालिएगा मेरे साथ मार्कुस का अध्याय तेरा तेरा में तीसरा पद पढ़िएगा जब वह जब वह जेतून के पहाड़ पर जैतून के पहाड़ पर है मंदिर के सामने बैठा था मंदिर के सामने बैठा था तो पत्रकूब और याकूब और याकूब और है अलग जाकर अलग जाकर उससे पूछा यीशु मसीह से पूछने लगे हमें बता कि हमें बता कि ये बातें कब होगी ये बातें कब होगा प्रभु आपके आगमन कब होगा बस यीशु मसीह मुझे बता देना हम आपके साथ इतना दिन घूम रहे हैं वो समय कम से कम हमको तो बता देना दुनिया को बताना नहीं चाहते हैं कम से कम मुझे बताना प्रभु यीशु मसीह यीशु मसीह ने चेलों को समय नहीं बताया लेकिन समय को पहचानने के लिए चिन्ह को बताया यीशु मसीह ने उस समय को पहचानने के लिए कुछ चिन्ह बताया डेट नहीं बताया साल को नहीं बताया यीशु मसीह ने कुछ चिन्ह को बताया ताकि हमें किसको इस्तेमाल करना चाहिए दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए हमें पवित्र आत्मा के दिए हुए ज्ञान के अनुसार दिमाग को चलाकर यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना चाहिए उनमें से सबसे पहला चिन्ह यीशु मसीह ने दिखाया कि अपने आगमन से पहले किस प्रकार का चिन्ह होने वाला है पहला चिन्ह क्या है बता है पढ़ी मेरे साथ तेरवा अध्याय का पहला पद से पढ़ेंगे हम यीशु मसीह ने पहला चिन्ह दिखाया देखिएगा वहां पर जब वह जब वह मंदिर से निकला मंदिर से निकला था निकल रहा था तो, तो उसके चेलो में उसके चेलो में से एक ने उससे कहा हे गुरु हे गुरु देख आ हे गुरु देख कैसा विशाल पत्थर कैसा विशाल पत्थर है और कैसे और कैसे भव्य भवन है यीशु मसीह को यीशु मसीह को चेलो ने बता रहे हैं कि प्रभु देखो यहाँ पर एक मंदिर है इतना बड़ा मंदिर और इतना भव्य मंदिर हमने कहीं पर भी नहीं देखे हैं और इसका मंदिर का पत्थर कैसे है बहुत बड़ा बड़ा है मंदिर का वर्णन करने लगे तब यीशु मसीह ने उस मंदिर को देकर क्या कहा बता है क्या कहे होंगे यीशु मसीह ने दूसरा पद यीशु ये। ने उससे कहा क्या तू ये बड़े बड़े भवन देखते हो यहां पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा यीशु मसीह ने कहा जो पत्थर के ऊपर पत्थर देख रहे ना भव्य मंदिर का ये सारा चीज एक, एक दिन क्या हो जाने वाला है अभी ढा देने वाला है गिर जाने वाला है नाश होने वाला है यानी कि येमस ने अपने आगमन से पहले होने वाले चिन्हों में पहला चिन्ह यशुमस ने कहा जिस मंदिर को आपने देख रहे हैं ना ये मंदिर मेरे आने के समय से पहले सबसे पहला ये मंदिर क्या होने वाला है विनाश होने वाला है वो मंदिर कौन सा है पता है उस मंदिर सुलेमान ने करोड़ों लाखों अरबों अभी के समय में अरबों रुपए खर्चा करके बनाएंगे ना उतना भव्य मंदिर सुलेमान ने बनाया था परमेश्वर ने कहा मूसा को मूसा मैं इज़राइलों के मध्य में रहना चाहता हूं मेरे लिए एक मिलाप वाले तंबू बना देना मूसा ने परमेश्वर ने बताए हुए स्ट्रक्चर के अनुसार एक मंदिर को बना दिए और परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में वाचा के संदूक रखा गया परमेश्वर इसरालो के मध्य में उस वाचा के संदूक में अपने महिमा को उतार कर लोगों से बातचीत कर देते और दाऊद के समय में दाऊद ने सोचा प्रभु हमने बंगला में रह रहे हैं लेकिन आपके लिए कौन से घर है भिला पले तो कपड़े से बना हुआ है नहीं प्रभु हम आपके लिए क्या करना चाहते एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं मंदिर के ऊपर चला गया दाऊद का सोच लेकिन दाऊद का सोच सही था दाऊद ने मना बनाना चाहता था परमेश्वर ने मना किया नहीं दाऊद तेरा जो हाथ है वो खून से भरा हुआ है एक काम करना, तेरा के समय में मैं क्या करूंगा मेरे लिए मंदिर बनवा दूंगा जब सुलेमान आ जाता है, सुलेमान है आने के बाद काफी साल समय लेकर परमेश्वर ने सुलेमान के द्वारा अपने लिए एक मंदिर बनवा दिया और उन दिनों में सबसे पहला मंदिर और भव्य मंदिर और सोने चांदी देवदार की जो लकड़ियां अलग अलग देश मंगवाकर बहुत बड़ा मंदिर बनाया था और उस समय से लेकर यहूदी इसराइलों के अंदर इतना बड़ा घमंड चढ़ गया था अपने मंदिर के विषय में मंदिर में रहने वाले परमेश्वर को इतना आदर नहीं है लेकिन मंदिर के ऊपर क्या इनका आदर बहुत चढ़ गया था बापरे क्या मंदिर है रे क्या इतना विशाल मंदिर है? कोई नहीं बना सकते हमने लोग हम लोग बना लिए हमारा मंदिर बना है बड़ा है हमारा मंदिर बहुत भव्य है करके मंदिर का वर्णन करने लगे इस के और यहूदी लोग लेकिन मंदिर के अंदर रहने वाला परमेश्वर का कोई भी केयर नहीं किया उस परमेश्वर के बात पर उनको नजर था क्या उस परमेश्वर के बात पर उनका खान लगा रहा था, था क्या उस परमेश्वर के बात को सुनकर उस परिवार परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने जिंदगी को बिताया था कह लो नहीं बिताए प्रियो नहीं बिताए आप जाके पढ़ लीजिए इतिहास को मंदिर को इतना यानी कि यहां पर भी यीशु मसीह के चेला लोग भी बता रहे हैं प्रभु देखो भव्य मंदिर है देखो कितना विशाल मंदिर है सब्जेक्ट कहां पर है ये बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली यीशु मसीह ने वहां पर बैठ गए थे मंदिर के सामने जो लोग आकर ये मंदिर में क्या कर रहे थे बेंड डाल रहे थे इससे पहले आप इससे पहले जाकर पढ़िएगा बेंड डालते वक्त में जो बड़े बड़े अमीर लोग क्या के, अपने पास जो बचा हुआ रहता है ना खर्चा करके बचा हुआ चीज परमेश्वर को देना है नियम नियम तो बनाया ही मूसा ने और उस नियम के अनुसार परमेश्वर को क्या करना चाहिए बेंड चढ़ाना करके अमीर लोगों ने अपने खर्चा पर कर निकाल के जो ज्यादा बच गया है उसको लाकर क्या करने लगे बेंट चढ़ा रहे थे मंदिर में लेकिन उस जगह में एक विधवा औरत आ जाती है और उसके पास कितना सिक्के थे दो सिक्के और वो अपने जीवन था दिन का दिन खा और वो दोनों सिक्के लाकर परमेश्वर के बेंट में क्या कर दे उसने चढ़ा दिया जैसे चढ़ाया गया यीशु ने कहा कि देखो सबसे ज्यादा बेंट कौन चढ़ाया है इस विधवा औरत ने पर चढ़ाई क्योंकि इसने अपनी जिंदगी को बांट दी जिंदगी को परमेश्वर के उस बेट पे डाल दी उसके पास कुछ नहीं था वही दो सिक्के था जीवन के लिए उसी से अपना जीवन को बिताना था लेकिन वही दो सिक्के डाल दिया इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने उस औरत को महिमा मतलब तारीफ की यह था वहां पर घटना और यह बोलकर जब बाहर निकल रहे थे तब यीशु मसीह के चेले लोग कहने लगे प्रभु देखो कितना बड़ा मंदिर है हा? कितना बड़ा भव्य मंदिर है शायद इनके मन में क्या सोचता पता नहीं शायद इनके मन में होगा इतना भव्य मंदिर बनाने के लिए जो अमीर लोगों ने पैसा दिया है ना वही उतना ज्यादा पैसा देगा तब तो इतना भव्य मंदिर बना सकते हैं शायद ऐसे प्रकार का सोच होगा लेकिन एश, एश ने कहा देखो आपके मन में जो मंदिर के बारे में एक घमंड चढ़ा हुआ है ना इस मंदिर एक दिन ठाया जाएगा एक दिन गिराया जाएगा एक दिन नाश होने वाला है सच में कहता हूं यीशु ये मसीह के दूसरी आगमन का पहला था ये दुनिया में यीशु मसीह को पहचानने के लिए यीशु मसीह को आज हम सब लोग पहचाने के लिए एक पहला निशान यीशु मसीह ने दिया यह मंदिर गिराया जाता है सच में ऐसे हो गया जब आप इतिहास आके पढ़ते हैं सुलेमान सुलेमान ने मंदिर बना दिया मंदिर बनाने के बाद सुलेमान के इज़राइल के राज दो में बंटवारा हो गया है ना एक इज़राइल और एक यहूदा और यहूदा के राज्य में आखिरी राजा एक आता है उसका नाम क्या है चितकिया चितकिया राजा जब शासन में आ जाता है उस वक्त में बबिलोन राज्य क्या हो गया शासन में आ चुका बहुत बड़ा प्रबल हो गया सम्राट लोग निकल गए उसमें उसका नाम है नेबकोद नेचर अब जाके इतिहास पढ़िएगा नैबकोद नेचर यानी कि पांच क्या बोलते फाइव हंड्रेड एंड एटी सिक्स ईसा पूर्व पांच छियासी में नेपकोत्निस राजा सबसे बड़ा साम्राट बन जाता है बबिलोन राजा और उस राजा के सेना में एक व्यक्ति रहा करता था नेबुजरदान करके उस नेबुजरदान क्या करता है यहूदा के राज्य पर चढ़ाई किया यहूदा के राज्य पर चढ़ाई करके जो सुलेमा ने भव्य मंदिर बनाया था वो सारे भव्य मंदिर को क्या कर दे उसने उधर के सारा सोना चांदी दीवर जितना भी चीज है यहां तक भी परमेश्वर के वाले तंबू में रहने वाले वाचा का संदूक भी जितना भी चीज है सारा चीज को लूट लिया और मंदिर को क्या किया पता है आग से जला डाल दिया करके बाइबल जिक्र करता है आप जाकर है दूसरी राजा दूसरी राजाओं का पच्चीसवा अध्याय को पढ़ लीजिएगा और दूसरा इतिहास का छत्तीसवंज जाके पढ़ लीजिएगा चितकिया के समय में ये सारे यहूदी इज़राइल के लोग जब से मंदिर बना तब से परमेश्वर के ऊपर ध्यान नहीं है केवल मंदिर के ऊपर ध्यान था इनका हमारा बड़ा मंदिर है भव्य मंदिर है मंदिर के पास जाना है घुटने टेकना है बाप रे मंदिर को परमेश्वर से बड़ा मानने लगे लोग परमेश्वर ने वादा किया यहूदी लोग आप लोगों ने मुझे छोड़ दिया आप लोगों ने मुझे त्याग दिया आप लोगों ने मुझे तुच्छ कर दिया आप लोगों ने मेरे बात को कहां पर मान रहे हैं जितना आज्ञा मैंने मूसा के द्वारा दिया था आप कहां मान रहे हैं उसको इसलिए एक समय आएगा आपको बबिलोन देश क्या करेगा सत्तर साल तक आपको गुलामी बनाकर लेके जाएगा करके एर भविष्य वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था यह जलाने से पहले इन लोगों को पकड़ के लेके जाने से पहले कि पांच वर्ष आने से पहले परमेश्वर ने वादा किया था यरमिया के द्वारा आपको सत्तर साल क्या करेगा बबिलोन देश गुलामी बनाकर लेके जाएगा ठीक उसी प्रकार पांच वर्ष में बीसी नेबुजरदान जो नेबकोद नेचर के राज्य में रहने वाले एक व्यक्ति जो प्रमुख व्यक्ति है सेनापति भी बोल सकते हैं जो कैप्टन बोल सकते हैं वो आकर यहूदा देश को पूरा जला दिया मंदिर को जला दिया सारा पूरा ढा दिया उसने और यह ढाने के बाद पकड़ ले गया सत्तर साल हो गया गुलामी थे कहां पर बबील देश में उसके बाद दूसरी राज्य शासन में आ जाता दुनिया में सबसे बड़ा राज्य कुसुर राजा करके एक व्यक्ति आ जाता है सीरिया उसके बाद कौन सा आता है इतिहास जाके पढ़िएगा कुसर राजा आता है और कुछ राजा के बारे परमेश्वर ने कहा था ये राजा आने के बाद फिर परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए क्या करेंगे परमेश्वर को यहूदी लोगों को बंदी ग्रह से छुड़ाएंगे ये परमेश्वर ने भविष्यवाणी किए थे ठीक उसी प्रकार कुछ राजा आ गया और उस वक्त में इजरा नेहमिया ये सब लोग थे ऐजरा नेहमिया की जाके पढ़िएगा परमेश्वर ने कहा तुम जाओ आ, राजा ने कसरू राजा आया तुम जाओ अपने मंदिर को क्या कर लेना आप लोग बना लीजिएगा और जलाए हुए मंदिर को दोबारा रीबिल्ड कर दिया रिकंस्ट्रक्शन बोलते उसको दूसरा टेम्पल बोलते हैं वो जाकर फिर से वो मंदिर को बना लिए उस समय से लेकर यीशु मसीह के समय तक बनाने के दूसरा बार मंदिर बनाने के बाद इनके अंदर यह घमंड चढ़ गया फिर से हमारा मंदिर क्या हो गया है बन गया आम को कोई टेंशन नहीं अभी फिर से नजर कहां पर इनका मंदिर के ऊपर है आज भी देखिएगा सौत में जाएंगे ना वहां पर भी एक नियम है इतने मसीह लोग इतने मूर्ख मसीह लोग गए हैं आज भी मूर्ख मतलब मसीह लोग इतना मूर्था भरा हुआ है कितने लोग बड़े बड़े चर्च में जाकर अपना सर को क्या करते हैं मुंडासन करते हैं पता आप लोगों को अपने कलिसिया को छोड़कर बड़े बड़े मंदिर में जो पुराने मंदिर में जाकर अपने बाल को मुंडासन करके आ जाते हैं बोलते हैं मन्नत को लेकर उस मंदिर में गया था मैंने भैया आपको पता नहीं कि आज परमेश्वर कौन सा मंदिर में निवास कर रहे हैं आपको पता नहीं परमेश्वर को आज कौन से मंदिर की जरूरत है लेकिन ये लोग कहां पर कौन सा मंदिर में जा रहे हैं पुराने जो दीवार ईटा मिट्टी सीमेंट से बना हुआ उस मंदिर को बहुत प्रेम करके वहां पर ढूंढ के जाते हैं वहां पर मुंडासन करते हैं बोलते हैं उस जगह में जाकर एक आधा घंटा बैठ के अभी भी देखिएगा इज़राइल देश में जाते हैं इज़राइल देश में अभी भी जाते हैं लोग बोलते कि पवित्र भवन है पवित्र जगह है वहां पर जाएंगे ठीक है पवित्र जगह है यीशु मसीह ने वहां पर गए वहां पर आए थे यीशु मसीह की जिंदगी वहां पर है यीशु मसीह पवित्र है और यीशु मसीह ने बनाया हुआ सारा दुनिया क्या है पवित्र है पर्टिकुलर यीशु यीशु यरूशलेम ही पवित्र है यरूशलेम में मंदिर में जाएंगे तो पवन हो जाएंगे इतने लोगों को विश्वा, विश्वास भी आ गया है कि अगर एक बार खर्चा करके लाखों रुपए लेकर खर्चा करके खर्च करके अगर एक बार यरूशलेम में जाके इसराइल में जाके यीशु मसीह जहां पर थे या यीशु मसीह जहां पर चल रहे थे यीशु मसीह ने जिस नदी में नहा बपतिस्मा लिया वहां पर अगर मैं भी बपतिस्मा लूंगा तो कहां पर चला जाऊंगा मैं सीधा स्वर्ग में चला जाऊंगा अभी भी लोग विश्वास करते हैं बोलते हैं अगर वहां पर जाके इसलिए यहां पर बपतिस्मा नहीं लेंगे कहां पर लेंगे लोग अभी हाँ यर्दा नदी में बपतिस्मा लेने के लिए जाते हैं यहां पर यहां पर नहीं लेंगे लोग बोलेंगे यहां पर लेंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे कहां पर लेंगे हम बपतिस्मा दरअसल इसराइल में जाएंगे यर्दा नदी में लेंगे भैया तू यदा नदी में लो या बंगाल समुद्र में लो या कहीं पर भी ले लो जब तक तेरा हृदय परमेश्वर के लिए तैयार नहीं है तेरा बपतिस्मा भी क्या है तेरे लिए वेस्ट है जब तक तेरा अंदर पवित्रता नहीं आता है जब तक तुम्हारे हृदय में परमेश्वर को नहीं खोजेंगे जब तक तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के लिए नहीं तड़पेंगे पेंगे पवित्रता तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा तो तुझे स्वर्ग मिलने वाला नहीं है इसराइल के अंदर भी था बड़ा बड़ा मंदिर है प्रभु यीशु मसीह ने पहली शताब्दी में बोल दिया पहली शताब्दी में बोल दिया ये जो मंदिर देख रहे हैं जो दूसरा बार बनाया हुआ है यह मंदिर के ऊपर पत्थर भी क्या करेगा अभी ढा जाएगा गिर जाएगा नाश हो जाएगा यीशु मसीह ने बोल दिए पहला चिन्ह है देखिएगा यीशु मसीह के बातों में कितना सच है बता रहा हूं यीशु मसीह ने कहा मैं आने वाला हूं आपको तैयार रहना आने का सूचना आने का चिन्ह यीशु मसीह देता है मैंने इसलिए शुरू से कहा कि बादल को देखें तो पहचानते हैं ठीक उसी प्रकार यह सारे चिन्ह को देखें तो पहचाना पड़ेगा यीशु मसीह का आगमन क्या हो गया अभी बहुत ही करीब आ गए मुझे तैयार होना चाहिए कब आएगा पता ना लेकिन मुझे तैयार होना चाहिए साठ साल सत्तर साल पच्चीस साल बीस साल पंद्रह साल कभी आ सकता है हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा हमें तैयार होना चाहिए से पहले शताब्दी में बोला ये जो मंदिर के ऊपर देख जाएगा अभी गिर जाने वाला है नाश होने वाला है यीशु मसीह बोलने के बाद यीशु से बोलने के बाद पहली शताब्दी में एक राजा आता है उसका नाम है नीरो क्या है उसका नाम निरो उस समय में रोम साम्राट चल रहा था रोम राज्य का साम्राट लोग शासन कर रहे थे पहला बबिलोन उसके बाद सीरिया और उसके बाद पारसी आ जाता है, उसके बाद चौथा राज्य है कौन सा है वो रोम राज्य दुनिया में सबसे बड़ा राज्य यही लोग थे अब उसके बाद रोम राज्य में एक वो एडी, यानी कि का जन्म होने के बाद 64 फोर यानी कि चौसठवा ईस्वी में क्या करता है एक राजा आता उसका नाम क्या है नीरव वो राजा आने के बाद क्या करता है जाति भेद का शुरू कर दिया जाति भेद का प्रॉब्लम शुरू हो गया वहां पर कि यहूदी लोग और रोम लोगों के बीच में क्या हो गया अभी लड़ाई झगड़ा बहुत उत्पन्न हो गया मेरा बात जाति बड़ा है तेरा जाति छोटा है यहूदी लोगों से ज्यादा नफरत करने लगा यहूदी लोगों को मारने लगा और यहूदी लोगों का आराधनालय में बहुत नफरत करने लगा और वहां पर ये जो रोम राज्य के जो निरव था साम्राट था उसने कई बार शहर को आग जला दिया शहर को आग जला दिया उसने सात सात दिन तक आ क्या करते रहा जलते रहा नीरो राजा के समय में और ये नीरो राजा के बाद चार राजा लोग आ जाते हैं चार राजा लोगों के बाद सत्तरवीं ईस्वी में एक राजा आता है नीरो सम्राट उसका नाम है टाइटस इसलिए मैं बता रहा हूं कि देखो यीशु मसीह के बाद कितना परफेक्ट है पिन टू पिन आप खोजिएगा ये के बातों को सौ प्रतिशत यशु के बाद क्या करता है सच निकलता है सत्तरवी ईस्वी में एक राजा आता है सम्राट आता है उसका नाम क्या है टाइटस जैसे निरो ने जाति भेदभाव बा, का आग जलाया था और टाइटस आने के बाद तो और ज्यादा बढ़ गया ये टाइटस राजा के समय में क्या हो गया पता है यहूदी लोग इतना ताड़ना देने लगा इतना ताड़ना देने लगा आखिरी में यहूदी लोगों का दूसरी प्रकार के मंदिर जो दूसरा मंदिर था ना तो यजरा नहमिया ने दूसरी बार बनाया था वो मंदिर को आग से जला डाल दिया उसने दोबारा उस मंदिर क्या हो गया पूरा खत्म हो गया अभी थोड़ा बचा हुआ है में जाएंगे तो थोड़ा बचा हुआ है उसको थोड़ा सा रेडी करके क्या कर रहे हैं वहां पर अभी यहाँ लोग मना रहे होंगे यहूदी लोग लेकिन आज यीशु मसीह के बाद सत्तरवीं ईस्वी में क्या हो गया है पूरा हो गया मंदिर क्या हो गया पूरा नाश हो गया है क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे प्रियो मनुष्य के जीवन में केवल ईटा पत्थरों से बनाए हुए मंदिर पर नजर नहीं रहेगा नहीं रहना चाहिए बल्कि किसके ऊपर नजर रहना चाहिए परमेश्वर के ऊपर यीशु मसीह आया था यीशु मसीह के लोग नहीं पहचाने यीशु मसीह स्वर्ग से आया था ने लोगों से कहने लगा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं मैं मनुष्य का पुत्र हूं मैं परमेश्वर हूं मैं पाप से चुड़ाता हूं लोग के लिए मरने वाला हूं लोग के लिए फिर जीवन उठाने वाला उठने वाला हूं और मेरे ही द्वारा आपको आनंद जीवन मिलने वाला है ये मस ने कितना बताने के बावजूद भी लोगों ने नहीं समझा लेकिन जितने लोग यशु मे के विश्वास करते थे उन लोगों को ये ने चिन्ह दिया ये सारे घटना इसलिए होता है कि मेरा आगमन क्या हो गया है आएगा पहचानो तुम लोग अब पूछ रहे ना प्रभु तुम कब आएगा तुम्हारा राज्य कब आएगा उसके लिए सबसे पहला सूचना यह ये है यरूशलेम का मंदिर क्या हो जाने वाला है ढा देने वाला है नाश होने वाला है इसलिए प्रियो मसीह ने पहली शताब्दी में जब जिंदा थे उस वक्त में बताए हुए बात है सत्तरवी ईस्वी में क्या हो गया पूरा हो गया पूरा हो गया इसीलिए ईसवी इस मसी का चले लोग क्यों अपने आप को जान देने के लिए तैयार हो गए पता है आप जाके जो टाइटस नीरो के समय में कितने मसीलों को ताड़ना दिया गया कितने मसीलों को मार दिया कितने मसीलों को आग में जला जला ला? कितने मसीलों को जिंदा उन लोग कितना बड़ा पीड़ा में उन लोग को मारा गया केवल ये लोग यहूदी थे और केवल ये लोग ईसाई लोग थे यीशु मसीह को मानते थे लेकिन यीशु मसीह को विश्वास किए लोग कभी भी पीछे नहीं हटे क्यों पता है यीशु मसीह ने बताया हर एक एक बात क्या होने वाला पूरा होने वाली चीज को आंखों से देख रहे थे पहली शताब्दी से लेकर अभी तक यीशु मसीह की बातें आज भी पूरा हो रहा है यीशु मसीह अगर बोल दिया था दो साल के बाद दो हजार वर्ष के बाद यह सूचना होने वाला है यही मेरे लिए मेरा आगमन के लिए सूचना अगर ये बताया रहता तो उस समय पहली शताब्दी में यीशु मसीह के विश्वास किए विश्वासी लोग क्या मजबूत रहते नहीं मजबूत रहते थे इसलिए ने शुरू से कहां पर स्टार्ट कर दिया यरूशलेम के मंदिर में स्टार्ट किया सत्तरवीं ईस्वी में यरूशलेम के मंदिर क्या हो गया अभी नाश हो गया इसको देखे हुए विश्वासियों के अंदर विश्वास जगा बापरी का बात कितना सच है, यीशु मसीह की बात कितना है? बातों में तैयार रहूंगा मरूंगा लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा मैं जीऊंगा यीशु मसीह के लिए जीऊंगा यीशु मसीह के लिए कदम बढ़ाऊंगा यीशु मसीह मैं आपके आगमन के लिए तैयार हो जाऊंगा इसलिए यीशु मसी के हर एक एक विश्वासियों ने आज विश्वास करते हैं कि यीशु जल्दी आने वाला है लेकिन समय पता नहीं हड़बड़ा ही नहीं और अपने आप को भूलना नहीं कि यीशु नहीं आने वाला है हम जैसे वैसे हमारा मनमानी से जीवन बिताएंगे मनमाने जीवन बिताने वाले लोगों को बहुत कड़ी सजा मिलेगा इसलिए प्रियो यीशु मसीह के आगमन के लिए सबसे पहला चिन्ह क्या था यरूशलेम का इतिहास का मंदिर था वो छोटा मोटा छोटा छोटा नहीं था वो कि आज गली गली में एक कोना में एक मंदिर उस गली में एक मंदिर वो जंगल में एक मंदिर है मंदिर नहीं था वो इतिहास का मंदिर था वो भव्य मंदिर था वो सबसे पहला परमेश्वर ने चाहा हुआ मंदिर था वो परमेश्वर ने चाहा कि ऐसी बनाना चाहिए करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रहने वाले एक मंदिर परमेश्वर ने उस मंदिर को लेकर एक चिन्ह दिया मैं आने से पहले यह जो मंदिर है ये गिरने वाला क्योंकि इस मंदिर में भी मैं नहीं रहने वाला हूं मैं मेरा मंदिर बना लिया हूं वो मंदिर कौन सा है आ, you are the temple of God. आप ही मेरा मंदिर है परमेश्वर की आत्मा कहां पर निवास कर रहा है आप पर निवास कर रहा है इसलिए आप परमेश्वर के मंदिर हो वह परमेश्वर के मंदिर नहीं है वह मंदिर वह भव्य भवन क्या किया जाएगा योहन्ना पत्रस गिरने वाला है समझ लेना जब वो गिर जाएगा जब वो जला डाल दिया जाएगा जब उसका विनाश आ जाता है पहचान कि यीशु का बात क्या हो गया सच हो गया मुझे और भी क्या करना पड़ेगा मजबूत होना चाहिए पहचानो कि यीशु मसीह का बात हंड्रेड परसेंट सही है दुनिया में कितने लोग झूठ बोलते हैं अभी आएगा और भी सूचना और तीन सूचना है उसमें मैं बताऊंगा कितना सच कितना झूठ लोगों से या दुनिया में भरा हुआ करके यीशु मसीह के बात में कभी झूठ नहीं गुमराहट नहीं करते मसीह यीशु मसीह जो बोलते हैं सीधा क्या हो जाएगा हंड्रेड परसेंट वो फुलफिल होगा इसलिए प्रियो तैयार हो जाएंगे पहला सूचना मिल गया है उन दिनों में यीशु मसीह का चेले लोग देखे पहली शताब्दी में विश्वासी लोग अपने आंखों से देखे मसीह के आज हम इतिहास देखिए मिलते जितना भी मैंने बताया ना ये सारा चीज बाइबल में भी लिखा गया है और ये सारा चीज कहां पर लिखा गया है इतिहास में भी लिखा गया है हिस्ट्री में लिखा गया है गूगल में जाके पढ़िएगा राजाओं के इतिहास को पढ़िएगा आपको पता चलेगा कुसरू राजा आने के बाद क्या हो गया बबिलोन राज्य आने के बाद क्या हो गया रोम सम्राट लोग आने के बाद क्या हो गया आपको इतिहास बताएगा कि यशु का बात कितना सच है काल्पनिकता नहीं बता रहे हम लोग काल्पनिकता से नहीं भरा हुआ मसीह का सच से भरा हुआ इसलिए आपसे एक ही अनुरोध है मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाओ समय क्या होने वाला है निकट आने वाला है समय निकट आने वाला है यीशु मसीह आएगा तो आएगा सूचना तो दिखाया इसको देखकर मुझे पहचाना पड़ेगा बारिश पक्का क्या होने वाला है आने वाला है कब आएगा पता नहीं कितना आएगा पता नहीं कितना देर रहेगा पता नहीं लेकिन बारिश तो आएगा आएगा ना आएगा नहीं आएगा आप लोगों से पूछूंगा अक्टूबर जैसे शुरू हो जाएगा उस वक्त में हमारा यहां एक मौसम बदल जाता है क्या आएगा ठंडा का, का मौसम शुरू हो जाएगा रे भैया दिसंबर आ जाएगा भाई क्या करना चाहिए जो जो बोरा में बांध के रखे हुए हैं क्या स्वेटर हो गया है ना ब्लैंकेट हो गया जैकेट जर्किन हो गया कैप हो गया सॉक्स हो गया सारा चीज क्या करना है अभी निकाल देना चाहिए तैयारी इसको बोलते हैं यीशु मसीह आने वाले हैं क्या तैयारी हमारा तैयारी क्या है यीशु मसीह आने वाला है अभी भी वही पाप है यीशु मसीह आने वाले है अभी भी पुराने जीवन है यीशु मसीह आने वाले हैं अभी भी नहीं बदल रहे हैं यीशु मसीह आने वाले हैं अभी भी हम अंधेरा में ही क्या कर रहे हैं भटक रहे हैं इसी को बोलते तैयारी शादी में जाना है दस बजे तैयार हो जाओ बाथरूम में धड़ा बड़ा धड़ा बड़ा आवाज शुरू हो जाएगा क्यों पहले मैं नहाना है पहले मैं नहाना है गाड़ी आ गया बेटो साहब लोग धड़ा बड़ा एक दूसरे को मार के क्या करेंगे गाड़ी में बैठ जाएंगे यार एक ही गाड़ी है कौन बाहर निकलेगा उसको यहीं पर छोड़ के जाएंगे चलो जल्दी से क्या कर गाड़ी में बैठ के चला जाएंगे यीशु मसीह के आगमन में इतने तैयार हैं आप लोग मैं पहले जाऊंगा यीशु मसीह मैं पहले आना चाहता हूं पहले जो जाना चाहता है वो पहले यीशु मसीह के लिए क्या करना है सिद्ध होना चाहिए यीशु मसीह के लिए वो पहले सिद्ध होना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु में तैयार हो गया हूं देखो प्रभु मैं रोज पाप से बाहर आना चाहता हूं रोज पवित्र जीवन बिताना चाहता हूं रोज में और भी ज्यादा प्रार्थना करना चाहता हूं और भी तेरे पवित्र सत्य को पढ़ना चाहता हूं सत्य पर चलना चाहता हूं मैं संसार के पापों में डूबना नहीं चाहता हूं प्रभु मैं तैयार हूं आप आएंगे ना तो पहले मुझे ले लीजिएगा तैयार है के आगमन के लिए तैयार है यीशु मसीह के आगमन के लिए यीशु मसीह आएंगे तो जाने के लिए तैयार हैं नहीं प्रभु अभी तुम जाओ दो बार आ जाना अभी थोड़ा सा क्या है काम बाकी है है कि नहीं है ना ऐसा बोल रहे प्रवेश में जा अभी तुम जाओ अभी हमको क्या है यहाँ पर थोड़ा सा काम बाकी है उसके बाद हम आएंगे अगले बार आएंगे ना तब आ जाएंगे देखेंगे अगले बार भी है ना देखेंगे सोचेंगे तुम सोचते रहो <laughs> है ना हम लोग यहाँ पर सोचते रहेंगे और तो परमेश्वर अपना काम क्या करेंगे करते रहेंगे जैसे यीशु मसीह ने कहा मेरा आगमन उस दिन के अनुसार रहेगा कौन सा दिन नूह के समय था लोग खाते रहे पीते रहे शादियां बच्चे पार्टी फंक्शन नूह ने नाव बनाते रहा लोगों को प्रचार किया तैयार हो जाओ बारिश आने वाला है लेकिन लोगों को भरोसा नहीं विश्वास नहीं बारिश भी आया लोग क्या करने लगे उसके बाद तड़पने लगे अरे यार नूह के बाद को उसी समय में सुन लेता तो हम भी क्या करते बच जाते उस स्वर्ग के आशूष को पाने के लिए तैयार हो जाओ